क्यों पॉपिंस को बस उसके अलग अलग कलर्स की वजह से बंद करना पड़ा, क्यों एक बच्चे की वजह से बूमर च्युइंगम हमेशा के लिए बंद होने वाला है, और ये पटाखे वाले बंदूक बंद होने का एक ऐसा उदास सच जिसे आप नहीं जानते थे। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10 पॉपिंस। इसे खाने में बहुत मजा आता था और फेवरेट कलर को खाने के लिए दोस्तों के बीच फाइट भी हो जाती थी, लेकिन अब ये कैंडी बहुत कम जगह पर मिलती है क्योंकि इसके प्राइस को उन्होंने मजबूरी से 5 से 10 रुपए के बीच कर दिया। जाहिर सी बात है कि ये आते आते कई सारे कलर्स में भी आने लगे थे जिससे इसके प्राइस को बढ़ाना पड़ा, और उतने में बच्चों को डेरी मिल्क और किटकैट जैसी चॉकलेट मिल रही थी जिसकी वजह से बच्चे उन चॉकलेट को ज्यादा खा रहे थे, और इस कैंडी को सबने इग्नोर कर दिया क्योंकि पॉपिंस वालों ने ढंग से मार्केटिंग करने की कोशिश भी नहीं की। नंबर 9 बूमर। इस च्युइंगम को हर एक बच्चा खाना चाहता था क्योंकि इसे खाने से हम बड़े कूल लगते थे, लेकिन अब ये वाली बूमर कहीं नहीं मिलती, और तब किसी बच्चे या उसके पेरेंट ने अफवाह उठाई होगी कि ये जानवरों की चमड़ी से बनाई जाती है या फिर रबर से बनाई जाती है, ये आपने भी सुना होगा, और अगर इसे कोई बच्चा खा लेगा तो उसके पेट में ये अटक जाएगी और उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ऐसे सब मिथ की वजह से बच्चों को ये नहीं खाने दिया जाता था, और अब ये बहुत कम जगह पर ही देखने को मिलती है। नंबर 8 नटराज कंपास बॉक्स। आज की जनरेशन इस कंपास बॉक्स को यूज नहीं करती क्योंकि उन्हें फैंसी बॉक्स पसंद है। नटराज का कंपास बॉक्स बहुत ज्यादा सिंपल है जो कि हमें तो सही लगता है, लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं लगता, और इसी वजह से वो लोग महंगे और फैंसी कंपास बॉक्स लेने जाते हैं, लेकिन नटराज के कंपास बॉक्स आज भी मिलते हैं जो कि बाकी कंपास बॉक्स के मुकाबले अभी भी सस्ते हैं। भाई वीडियो में मजा आ रहा है तो 1 सेकंड निकाल के नीचे सब्सक्राइब तो कर लो यार, बस 1 सेकंड का ही तो काम है। नंबर 7 कैमलिन पेस्ट। पहले लगभग हर एक चीज इसी से चिपकाई जाती थी, इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो अभी भी इस बॉटल को देख कर याद आ जाती है, लेकिन बाकी ग्लू ने इसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। इसके कई सारे कारण है, सबसे पहला इसे सूखने में काफी देर लगती थी और ये काफी ज्यादा लिक्विड ही था, यानी कि कई बार इसकी वजह से पेपर खराब भी हो जाते थे, और इसी के साथ इस ग्लू में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी जो कि नॉस्टैल्जिक तो है लेकिन काफी इरिटेटिंग भी थी, इसलिए व्हाइट ग्लू ने इस ग्लू को टेक ओवर कर लिया। नंबर 6 दिवाली के बंदूक। दिवाली आते ही हम इन बंदूक को लेते हैं और ये पटाखे वाले रोल भी लेते हैं, पर अब तो ये गन मार्केट में ना के बराबर मिलती है और इन पटाखे वाले रोल को कोई खरीदता भी नहीं है क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चों को दिवाली मनाने का कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। ये बात है कि दिवाली में पोल्यूशन होता है, लेकिन उससे ज्यादा पोल्यूशन तो हर रोज चलने वाली कार निकाल देती है, इसलिए थोड़ी बहुत दिवाली मनाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों को अब ऐसे पटाखों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें तो बड़े और जोर से फटने वाले पटाखे चाहिए और इसलिए ये मार्केट से गायब हो गई। नंबर 5 हिप्पो। ये हमारे लिए किसी प्रीमियम स्नैक से कम नहीं था क्योंकि ये बाकी चिप्स के पैकेट से थोड़ा ज्यादा महंगा हुआ करता था, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ और इसकी मार्केटिंग टीम ने इसकी ज्यादा मार्केटिंग नहीं की और ये ज्यादा जगह पर सप्लाई भी नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से ये बहुत कम जगह पर मिलने लगा और ये फिर थोड़ा बहुत महंगा भी था, जिस वजह से इसकी सेल उतनी भी ज्यादा नहीं हुई। नंबर 4 चुटकी सुपारी। 1 रुपए से भी कम में आने वाली चुटकी सुपारी हमारे लिए मस्त ट्रीट हुआ करती थी। अभी भी ऐसी कई सुपारी पान की दुकान पर मिलती है, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं खरीदता क्योंकि पहले मम्मी को ये लगता था कि इसकी वजह से बच्चों को टोबैको की भी लत लग सकती है और इसे खाने से दांत तो खराब होते ही है, यही कारण की वजह से मम्मी बच्चों को ये सब खाने नहीं देती थी और धीरे धीरे करके इसे सबने खाना ही छोड़ दिया। अब मुश्किल से इसे कोई खरीदता होगा, वो भी सिगरेट पीने के बाद माउथ फ्रेश करने के लिए। नंबर 3 लक्ष्मी बम। दिवाली में इस बम को सबसे ज्यादा फोड़ा जाता था, लेकिन अब ये पूरे मार्केट में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि इस बम को स्पेशली बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर लक्ष्मी माता का फोटो हुआ करता था जो कि हिंदू धर्म में एक भगवान है, और इनका फोटो एक बम के ऊपर होगा ये काफी गलत है, और फिर ये बम फोड़ा जाता था और उनके फोटोज भी फट जाते थे, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। नंबर 2 अमृतांजन पाम। थोड़ी बहुत चोट लगती थी तो हमारी मम्मी हमें अमृतांजन पाम से या फिर टाइगर बाम से मालिश कर देती थी, लेकिन ये दोनों बाम अब मार्केट से गायब हो गए हैं क्योंकि इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती थी और इसे लगाने पर थोड़ी जलन होती थी और आंखों में भी थोड़ी इरिटेशन होती थी, जिसे तो हम सहन कर लेते थे, लेकिन आजकल के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से अब मार्केट में दूसरे प्रकार के एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं जिसे यूज करना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 1 हाजमोला। पहले हर घर में खाने के बाद हाजमोला खाए जाते थे, लेकिन जनरेशन के बाद इसे खाना छोड़ दिया क्योंकि उनको इसका टेस्ट बहुत ज्यादा वियर्ड लगता था और इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट है जो हमें पसंद आता था वो आजकल के बच्चों को खास कुछ पसंद नहीं आता, और इसी वजह से हाजमोला ने और भी कुछ फ्लेवर्स लॉन्च किए जो कि कुछ वक्त के लिए तो काफी पॉपुलर रहे, लेकिन उसके बाद वो फ्लेवर्स मार्केट से गायब हो गए। आज भी हाजमोला मिलता है, लेकिन इसका काम बस या कार में उल्टी रोकने का हो गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने के नाम पर पागल बनाया जाता है, और क्यों इस 4 बच्चों की वजह से इस आदमी को इतने बड़े चैनल को डिलीट करना पड़ा, और कैसे इस यूट्यूबर ने अपने व्यूअर्स को बस एक स्क्रीनशॉट दिखाकर 400 करोड़ का स्कैम कर दिया। भाई ये वीडियो तो देखना बनता है, तो इसे अभी दबाओ, और अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।